तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं आ चुका हूँ अपनी एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं रोजाना आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ, तो आज मैं आ चुका हूँ एएसपी इंजीनियरिंग प्लांट में। आप मेरे पीछे नई नई मशीन्स देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी मशीन अवेलेबल है, बहुत सारी मशीन आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे बोर्ड देख सकते हैं, आप देख सकते हैं एएसपी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे बहुत सारी मशीन आपको मेरे पीछे दिख रही होंगी, आप यहाँ पे बहुत सारी मशीन ले सकते हैं, कोई सी भी मशीन को परचेज या बाय कर सकते हैं। लेकिन आज जिस मशीन के बारे में मैं आपके बताने वाला हूँ, उस मशीन को लगाकर आप एक बहुत बढ़िया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि जिस जो भी वो मशीन होने वाली है, उसको आप जब जानेंगे, आप उस मशीन की जानकारियाँ जानेंगे, आप उस मशीन के प्रोडक्शन और उस मशीन की बैटरी कंजप्शन जानने वाले हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि उस मशीन को आप कितने आराम से ऑपरेट कर सकते हैं और कितनी जल्दी जल्दी आप उस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। तो बस ऐसे वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको मैम। दोस्तों आइए जानते हैं मैम से, और ये जानते हैं कि मैम हमें कौन से मशीन के बारे में बताने वाली है। तो नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? खुशबू नाम है सर। मैम आज आप हमारे दर्शकों को कौन से मशीन के बारे में बताने वाले हैं? सर मैं आपको आज एक ऐसी मशीन के बारे में बताने वाली हूँ जिससे लोग अपना अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटे से अमाउंट के साथ अपनी मशीन को परचेज करके वो एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और जो बिजनेस बताने वाली हूँ सर, वो रहेगा स्लीपर मेकिंग मशीन सर। जैसे कि हमारे पास ये ऑटोमेटिक स्लीपर मशीन है, ये हमारे पास चार मॉडल्स होते हैं इसके। 5 टन में भी होती है, 10 टन में भी, 15 टन में भी, 20 टन में भी। जो ये टन होते हैं ये प्रेशर का काम करते हैं, और जितना ज़्यादा स्लीपर पे प्रेशर पड़ेगा उतनी आपकी चप्पल में फिनिशिंग आएगी और बहुत ही अच्छी स्लीपर आपकी बनके तैयार हो जाएगी। तो आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट होती है, आपको 5 टन चाहिए, 10 टन चाहिए, या 15 टन चाहिए, या 20 टन चाहिए, तो आप इस मशीन को ले सकते हैं और बहुत अच्छी स्लीपर्स आप बना सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि आपको ये होल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो इन होल्स को ग्राइंडर की सहायता से ये होल्स यहाँ पे किए जाते हैं दोस्तों। और जो आपको ये वाली फिनिशिंग दिख रही है, ये हम इसी ग्राइंडर की सहायता से ये फिनिशिंग दी जाती है दोस्तों। तो ये दोस्तों स्लीपर बनके ऐसे तैयार हो जाती है। आप इस मशीन में बच्चों से लेके बूढ़ों तक की स्लीपर बना सकते हैं, बस आपको डाई चेंज करने की जरूरत है दोस्तों। दोस्तों बात आती है अभी इसमें स्ट्रिप लगाने की, तो आप ये टेबल में देख रहे हैं, तो यहाँ पे टेबल में भी पिन यहाँ पे सेट करके आप यहाँ पे इसकी सहायता से स्ट्रिप लगा सकते हैं, या फिर एक ये मैनुअल वाली स्ट्रिप आप लेके यहाँ पे आप स्ट्रिप लगा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैम ने हमें बताया कि ऑटोमेटिक स्लीपर मशीन होने वाली है, आप क्या इसमें भी चप्पल इस मशीन से बना सकते हैं, डाइयां बदल बदल के आप किसी भी साइज की चप्पलें बना सकते हैं। या तो मैम अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें, हम इसका प्रोडक्शन जाने के पर आवर या पर एक दिन में कितनी चप्पल बना सकते हैं, तो आप प्रोडक्शन के बारे में हमें बताएं तो? सर इस मशीन का प्रोडक्शन जाने वाला है ये पर घंटे में, मतलब आपको 1500 स्लीपर निकाल के देती है सर। तो दोस्तों 1500 स्लीपर आप एक घंटे में बना सकते हैं। आप जानते हैं स्लीपर अलग अलग रेट की मार्केट में मिलती हैं, बहुत सारे रेट्स की मिलती हैं। अगर आप एक घंटे में 1500 स्लीपर बना रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आप कितने बड़े बिजनेस की ओर देख रहे हैं, आप बहुत बड़ा बिजनेस एक टाइम पर लगा सकते हैं। क्या इस मशीन को चलाने के लिए कोई और मीटर खरीदने की जरूरत है, या कोई और नया मीटर लगाने की जरूरत है, या हम इसे घर की बिजली पर चला सकते हैं? सर आप इसको घर की बिजली में चला सकते हैं। इसका पावर कंजप्शन मोटर इसमें आप 1 HP का या 2 HP का लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने मैम से सुना कि हमें इस मशीन को चलाने के लिए कोई और मीटर अफोर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे घर की बिजली पे अपने रोज़ाना यूज़ वाली बिजली पर भी हम इस मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैम ने हमें मशीन के बारे में पूरी जानकारी दे दी है, तो दोस्तों ज़्यादातर एक प्रॉब्लम लोगों के मन में हमेशा एक क्वेश्चन बना रहता है, एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलने वाला है। क्योंकि मशीन आप कहीं से भी ले सकते हैं, पर रॉ मटेरियल का क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा रहता है। तो आइए मैम से जानते हैं कि रॉ मटेरियल के बारे में। तो मैम जैसा कि लोगों के मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है कि मशीन तो हमने परचेस कर लिया, पर क्या रॉ मटेरियल हमें मिल पाएगा, तो क्या मैम आपकी कंपनी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है? यस सर, मेरी कंपनी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है। यस मैम। और तो मैम जो ये रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि हम रॉ मटेरियल आपने कहा कि प्रोवाइड कराती है, तो ये रॉ मटेरियल का लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड कराती है या सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट का होता है? सर जैसे कि हमारे जो भी क्लाइंट्स होते हैं, हमारे गोदाम में जितनी भी मशीनें हैं लघु उद्योग के लिए, तो उनकी सभी मशीनों के लिए रॉ मटेरियल हम लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड कराते हैं। जो कस्टमर हमसे मशीन खरीदते हैं, सिर्फ उनके लिए ही हम रॉ मटेरियल लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैम ने बताया कि आप
आपको रॉ मटेरियल के बारे में चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ से आपको रॉ मटेरियल लाइफ टाइम के लिए प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैम से एक क्वेश्चन और पूछते हैं इसी से रिलेटेड कि मैम जो ये रॉ मटेरियल होने वाला है तो ये क्या बस एक ही बार में आप जितना मंगाना चाहें उतना मंगा सकते हैं या जितना मर्जी आप प्रोवाइड कराते हैं यहाँ से? कस्टमर की जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। और कुछ हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो हमें कॉल करके भी ऑनलाइन ऑर्डर दे देते हैं, तो हम उनको रॉ मटेरियल उनके घर तक ट्रांसपोर्ट के थ्रू पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैम से आपने जाना कि आपको रॉ मटेरियल के बारे में चिंतित होने की कोई भी जरूरत नहीं है, रॉ मटेरियल आपको पूरा यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा जब तक आपको जरूरत है, जितनी आपकी कैपेसिटी है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको उस हिसाब से रॉ मटेरियल मिलेगा यहाँ से। रॉ मटेरियल के बारे में परेशान होने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। इस मशीन का इंस्टॉलेशन सर्विस जो होने वाला है वो क्या रहने वाला है? सर जो इसकी ट्रेनिंग होती है, अगर किसी को मशीन चलाना नहीं आ रहा है तो मशीन खरीदने के 2 डेज के बाद आपके पास एक इंजीनियर जाता है, वो आपको प्रॉपर मशीन को चलाना सिखाता है, आपको ट्रेनिंग देता है कि मशीन कैसे वर्क करती है, मशीन को कैसे चलाना है, इस सब की चीज़ की वो ट्रेनिंग देता है और इंस्टॉलेशन आपके वहाँ जाके करके आता है। तो जैसा कि दोस्तों मैम ने आपको बताया कि इंस्टॉलेशन के बाद ही जैसे ही आपके यहाँ पे मशीन पहुँच जाती है उसके 2 दिन बाद एक इंजीनियर आके उस मशीन के बारे में आपको पूरी ट्रेनिंग देता है, आपको पूरी जानकारी देता है कि उस मशीन को कैसे चलाना है, कैसे इंस्टॉलेट करना है, आपको पूरी जानकारी देता है, आपको पूरे तरीके से समझाता है, अच्छे तरीके से आपको एक एक डिटेल देता है कैसे उस मशीन को ऑपरेट करना है या कैसे उस मशीन को चलाना है। तो आपको इस बारे में भी डरने की या कोई भी परेशान होने की बात नहीं है कि आपको मशीन को चलाना कैसे होगा या कैसे आप सीखेंगे, आपको कोई भी अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इंजीनियर यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो मैम अगर इसकी सर्विसेज की बात करें तो उसकी सर्विस वारंटी क्या रहने वाली है? सर इसकी वारंटी मशीन की 1 ईयर की वारंटी रहने वाली है और 5 ईयर की इसकी फ्री सर्विस रहने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि मैम ने बताया कि इस मशीन की 1 साल की वारंटी होने वाली है और 5 साल की सर्विस होने वाली है। तो मैम जो इसका सर्विस चार्ज होता है वो कोई चार्ज हमें पे करना पड़ता है? नहीं सर, जो मशीन का जो भी कोई मशीन में कोई भी पार्ट्स का कोई भी कुछ चार्जेस होता है वो तो पे नहीं करना पड़ता, बट जो हमारा इंजीनियर जाता है उसका कन्वेंस चार्ज उनको देना पड़ता है, उसके आने जाने का किराया और रहने के लिए और खाने का इंतजाम करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि मैम ने हमें बताया कि जो भी इंजीनियर आपके पास जाता है आपको बस उसका कन्वेंस चार्ज पे करना होता है, उसके अलावा आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, आपको 1 रुपया भी खर्च करना नहीं है, बस आपको इंजीनियर का कन्वेंस चार्ज पे करना है। आपने हमारे दर्शकों को इंस्टॉलेशन सर्विस के बारे में बताया, पर मैम ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ना एक चीज़ होती है कि आप कोई भी मशीन खरीदते हैं या कोई भी बड़ी मशीन खरीदते हैं तो लोगों के पास लाइसेंस की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लोगों के पास लाइसेंस नहीं होता कोई भी उद्योग लगाने से पहले। तो क्या मैम आपकी कंपनी मशीन जो प्रोवाइड कराती है क्या लाइसेंस प्रोवाइड कराती है? ये सर मेरी कंपनी कस्टमरों को लाइसेंस प्रोवाइड कराती है, चाहे वो बड़ी मशीनें हो या छोटी मशीनें हो, लाइसेंस कोई भी हो प्रोवाइड कराती है। तो दर्शकों आपको डरने की जरूरत नहीं है, ज़्यादातर लोगों के मन में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है क्वेश्चन मार्क बनके कि आपको लाइसेंस कैसे मिलेगा, क्योंकि लाइसेंस नहीं होता उद्योग लगाने से पहले किसी के भी पास। आप बड़े बड़े उद्योग लगाना चाहते हैं, छोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, पर आपके पास लाइसेंस नहीं होता, तो आपको लाइसेंस के लिए भी डरने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से मशीन बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उसके बाद आपको लाइसेंस भी यहाँ से प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप अपना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस उद्योग खोल सकते हैं, इससे भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। लाइसेंस और मशीन दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस मशीन को या कोई भी मशीन को जैसा कि आपने बताया आपके पास बहुत सारी मशीन अवेलेबल है, अगर कोई भी इन मशीनों को खरीदना चाहे या देखना चाहे तो वो कहाँ आके आपसे मिल सकता है? सर जो मेरे कंपनी का एड्रेस रहने वाला है वो नांगलोई रेलवे मेट्रो स्टेशन नियर बाय सोनिया हॉस्पिटल गुलशन पार्क वाली गली ASV इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर। यहाँ मेरे ऑफिस में आके वो विजिट कर सकते हैं, और अगर और भी अधिक जानकारी चाहिए या ऑनलाइन कोई बुकिंग करना चाहता है तो स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए हैं सर, तो उन पर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैम से मिले, मैम ने हमें हर एक मशीन के बारे में जानकारी दी, मैम ने बताया कैसे आप इस मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे आप इस मशीन को चला सकते हैं, कैसे आप इसकी जानकारियां ले सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि आप इस मशीन को जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे कि आप इस मशीन को कितने आराम से ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे आप अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कैसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की ओर देख सकते हैं। आप जैसे कि जान चुके हैं इस मशीन की सारी जानकारी आपको मिल चुकी है मैम के द्वारा, और आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको उस कंपनी का एड्रेस मिल जाएगा। ऐसी नई नई वीडियोज और देखने के लिए और नए नए वीडियोज को जानने के लिए, नए नए बिजनेस आइडिया जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।